हाँ ये इस पे बैठ के देखते हैं। अरे वाह, मैं बैठ गया। अगर आपको भी जानना है कि आप फर्नीचर मोड कैसे लें, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और कार मोड जानना है तो भी देखते रहिएगा, क्योंकि कार मोड और फर्नीचर मोड में दोनों के दोनों आपको बताने वाला हूँ। कैसे तो आपको एक ऐप चाहिए, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उधर से भी। आपको चाहिए एडन्स फॉर माइनक्राफ्ट, तो मैंने इसे ले रखा है, तो ओपन कर लेता हूँ। तो इधर नीचे सर्च पे आपको क्लिक करना है एक बार। तो ठीक है, क्लिक कर दिया। अभी ऊपर ऑल की जगह, ये ऑल है, इसकी जगह MC पैक करना है। और फिर तो ठीक है, मैं एक कार का नाम सर्च करता हूँ, आपको इसी कर लिए। मैं करता हूँ लैंड रोवर, तो लोड हो रहा है, नहीं हुआ शायद, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी होगी, लेकिन आप कोई सी कर सकते हैं। तो मैं कार सर्च करता हूँ, आप भी कार सर्च कर लीजिएगा। फिर इधर बहुत सारी कार ओपन हो जाएगी। तो इधर लेम्बोर्गिनी भी है, तो इस पे आपको सिंपली बस टैप करना है। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होएगा, फिर आपको डाउनलोड करना है, फिर ऐसा होएगा, फिर बैक आ जाना है। तो ये देखिए, ये डाउनलोड होना चालू हो गया है। और आपका ये जो वर्जन है, ये ऊपर लिखा है वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। अगला बिहेवियर पैक भी कर देते हैं, तो बैक आ जाते हैं, तो ये होना भी चालू हो चुका है। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा, इन दोनों के हो जाने पर आप कार मोड ले सकते हैं। लेकिन ये अभी नीचे वाला बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ के डाउनलोड हो चुका है, हो जाएगा, तो ये पूरा ब्लू हो जाएगा। देखिए हो चुका है, इस पे बस सिंपली क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। फिर माइनक्राफ्ट पे ओपन करना है, उसके बाद आपके सामने माइनक्राफ्ट ऐसा ओपन हो ही जाएगा। तो ये देखिए, ऊपर लेवल इंपोर्टिंग चालू होकर सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं अपनी कोई सी एक वर्ल्ड लेता हूँ, इसके साइड में एक पेंसिल के बटन है, जैसे मैं लेता हूँ मेरी ये मयंक वाली वन ब्लॉक वाली वर्ल्ड, इसके साइड में पेंसिल पे क्लिक करना है। फिर इधर ऑप्शन है, रिसोर्स पैक पे नहीं जाना है, रुकिए, बिहेवियर पैक पे जाना है, फिर माय पैक लैम्बोर्गिनी, फिर इसे परमिशन दे देनी है, फिर अपन को वापस इस एडर्ट्स वाले ऐप पे आना है। फिर ये देखिए, उस पर भी इसी तरह क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर माइनक्राफ्ट पे ओपन करना है। तो ये देखिए, ओपन हो रहा है, ये माइनक्राफ्ट तो हो चुका है। देखिए लेवल इंपोर्टिंग चालू हो चुकी है और सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आपको गेम मल्टीप्लेयर और रिसोर्स पैक पे आना है, फिर माय पैक्स पे क्लिक करना है, इस पर फिर इसको एक्टिव कर लेना है, इस पर क्लिक करके। तो ठीक है, अगर देखिए नहीं हुआ है तो मैं वापस ट्राई कर लेता हूँ। तो इसी तरह हो चुका है ये एक्टिव। अगर आपको इसे डीएक्टिव करना है तो ऐसे कर सकते हैं, डीएक्टिव पे क्लिक करना है तो ये डीएक्टिव हो गया, लेकिन मेरे को अभी एक्टिव करना है, तो एक्टिव भी हो चुका है। फिर हमें ये दोनों रिसोर्स पैक और ये बिहेवियर पैक करने के बाद हमें प्ले पे क्लिक कर लेना है। तो फिर ये थोड़ा सा लोड होएगा, इंतज़ार करना होगा लोड होने का। तो ठीक है, जब तक ये हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बिल्कुल भी पार्ट स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं ये लोड होगी हो चुका है। ये देखिए, ये मेरा वन ब्लॉक वाला वर्ल्ड है, मैंने सर्वाइवल में सब कुछ किया था, अभी क्रिएटिव में आना पड़ा। अभी भी मैं क्रिएटिव में ही हूँ, मतलब सर्वाइवल में ही हूँ, रुको मैं क्रिएटिव में आता हूँ। तो ठीक है, मैं क्रिएटिव में भी आ चुका हूँ,
अभी मैं बड़ा कर लेता हूँ। अभी हमें थोड़ा नीचे आना है और ये जो एक्स हैं इनके साइड में ये की होंगी, इसको ले लेना है, की को स्क्रीन पे दबाना है तो ये प्रकट हो गई है। अभी इस पे राइड कर सकते हैं हम। अंदर से देखिए कितनी शानदार है ये, और इसमें आगे पीछे के कंट्रोल्स भी चल सकते हैं और इसकी हेल्थ भी है। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार है, इसे आपको लेना चाहिए। तो ठीक है, सुबह भी हो चुकी है, ज़रा राइड कर लेते हैं। ज़रा मैं वो सेकंड पर्सन में आ जाता हूँ। तो ये देखिए दिखने में भी ऊपर से अच्छी है। अभी इधर जगह कम है, लेकिन आप अपने नेचुरल वर्ल्ड में जो बड़ा वाला वर्ल्ड है उसमें ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्नीचर मोड। हाउ टू डाउनलोड एंड अप्लाई फर्नीचर मोड। तो वापस हमें इस ऐप में जाना है, फिर सर्च पे क्लिक करके ऑल की जगह एमसी पैक, फिर ये फर्नीचर पे क्लिक कर लेना है, फिर इधर नीचे ऑप्शंस है, इसे डाउनलोड कर लो जिस तरह कार मोड किया था। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसे इधर आपको बिहेवियर पैक्स में ये वाला ले लेना था जो भी मैंने लिया था, और इसी तरह आपको रिसोर्स पैक में लेना है ये वाला फर्नी क्राफ्ट वाला। तो इसे एक्टिव करने के बाद आपको गेम प्ले चालू कर देना है। तो देखिए अभी मैं देखता हूँ, देखिए अभी मेरे पास कितनी सारी चीज़ें आ चुकी होगी। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं। बस वीडियो पूरी देख लेना, अगर समझना है तो स्लो मोशन में भी देख सकते हो। इसी तरह आप देख लो, रुको हुआ नहीं है मैं, तो इन्हें छोड़ते हैं। तो फिर इतनी सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें ये सारी ले लेता हूँ, जिससे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये रखा कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, बाथटब वाथटब। तो इन्हें चलिए स्पॉन करते हैं, एक इधर, फिर इस पे आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं, सिट डाउन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है बस, और आप आराम से नहा कर निकल सकते हैं। तो इसी तरह आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इस चेयर्स पे भी बैठ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे बैठ के आप अपना पीसी सेटअप बना सकते हैं। तो बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं इधर। तो यार मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है, तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। और आपको ज़रा सा पार्ट भी समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना, शायद समझ में आया। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।